इन दिनों सोशल मीडिया हमारी जिंदगी में अहम भूमिका निभा रहा है, चाहे वह सोशल साइट के इस्तेमाल की हो या फिर युवाओं में इसके बढ़ते क्रेज की हो। इसी तरह इस बार सोशल मीडिया दो बिछड़े भाई बहनों के मिलने का जरिया बन गया है, जहां 72 साल बाद भाई बहन एक दूसरे से मिले हैं। जी हाँ, रिपोर्ट देखिए। बहुत खुशी हुई है, साडे मामू दा पता लग गया सानू, असानू बहुत खुशी हुई है। ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਸਨ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿ ਗਏ, 4-5 ਸਾਲ ਪਿਛੜ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ये ना तो 2001 में आई फिल्म गदर का कोई सीन है और ना ही इस साल आई फिल्म भारत का कोई सीन। ये कहानी फिल्मी जरूर लग सकती है, लेकिन सिनेमा के रूफले पर्दे पर नहीं बल्कि हकीकत में है, जहां 4 साल की उम्र में भाई से बिछड़ी बहन का 72 साल बाद सोशल मीडिया के जरिए अपने भाई से मिलन हुआ है। 72 साल पुराना गदर जब एक देश के दो टुकड़े हुए और ना जाने कितने नाते रिश्तेदार बिछड़ गए, ना जाने कितने परिवारों के सदस्य एक दूसरे से दूर हो गए, जिनका ये पता भी नहीं चला कि आखिर वो जिंदा है या फिर नहीं, परंतु आंखें उन्हें फिर भी ढूंढती रही, हर चेहरे में, हर तस्वीर में। ऐसा ही एक परिवार जिसकी 4 साल की बेटी उस परिवार से इसी गदर में बिछड़ गई थी। हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे सनी देओल की फिल्म में गदर में सकीना अपने परिवार से बिछड़ जाती है और एक सिख परिवार उसे बचाता है और अपने घर का सदस्य बनाता है। लेकिन यहाँ एक नन्ही बच्ची भज्जो सिख परिवार से है और उसे पाकिस्तान में एक मुस्लिम परिवार न केवल उस उन्माद से बचाता है बल्कि उसे सकीना नाम देकर अपनी बेटी बना लेता है। इस तरफ भज्जो के परिवार के लोग राजस्थान के राय सिंह नगर में आकर बस जाते हैं, पर ना तो भज्जो ने उम्मीद छोड़ी थी और ना ही हिंदुस्तान में रह रहे भज्जो के भाइयों ने। मैं छोटी जी सां तो रह गई उधर ही मंदरी मैरे, उस तो बाद कोई पता नहीं मैं किस चाह खड़िया किस नहीं चाह खड़िया। जिसले अरसा दराज हो गई, वो फोत हो गए राजे, उस तो बाद उन दबेतरियाँ सुना क्या इस असं की नानी सी तो तू चाह के आँदी सी, अम्मा सुन तो पा ली है। मैं क्या नहीं, मैं अम्मा की धी सा, अम्मा दी मेरे माँ प्यो ही। तो फिर बाद भी जिसले रिकवरी हुई तो उसे खड़न लगे किसले पता नहीं किन्ने अरसे बाद खड़न लगे। उन्होंने मुँह पूछा उन्हें सुन के, तेरी अम्मा का के ना है, तेरी वालदा का के ना है, तेरे वालद का के ना। मैं क्या अबू जी का अम्मा जी, बस उन्हें फिर मोनी खड़िया उधर छोड़ गए। फिर उन्हें ही पालिया, उन्हें ही सब कुछ किया। उस तो बाद के कम होया कि असा दराद हो फोत हो गई, फोत की तो बाद पता चलिया के गल हुई। फिर असा दे आखण ये जनी इधर दुद्दुल बहना सरजन सिंह सा लंबरदार, तो मताल सिंह सा लंबरदार, ये उन्होंने बच्ची असं चाह आँदी सी, असं अम्मी चाह आँदी सी, नानी अम्मी चाह आँदी सी, तां मो पता लग गया। फिर मो तो कोई पता नहीं, ना किसी खोज कढ़ी, ना असं कढ़ी। उस तो बाद जरा सी चकार हकम सिंह, उसने के काम किया, उन्हें आख्या असियाँ शेखणियाँ की सारिया मुसलमाना उस बंदूक रख के धमकी दी कि मेरिया शेखणियाँ सारे बरामद करो, जिन्हें जिन्हें पालिया उन्हें दतिया हथ बहने तो दतिया दे उस अपने शेखा सारिया वह दतिया। तो यह सजरा नस्ल कोई नहीं पुछी किसी सन कि कौन है वो कौन नहीं, वो कोई पता नहीं। तो असा में मंदरी मैरे में ही सियाँ छोटी रही थी, और कोई भी नहीं सी, खालस में ही रही सियाँ। तो मंदरी मैरा भी है, दुद्दुल महन भी है, बगला भी है, पुर नून बगला भी नाल है, चिरकंडी भी है नाल। तो नाल उस पासे बुरले पासे बांडियाँ आंदियाँ सी, जगह बांडी का नाँ वो भी है। मैं फौजी जगेंद्र सिंह, केड़े पिंड रहने से तुस? मुजफ्फराबाद परिवार मिल गया रावल पिंडी, आप भी मिल गए दुद्दल बहना बया, किस तरह महसूस करते हो? बड़ी खुशी वाली गल है, मिलना चाहते हो? 72 साल बाद सोशल मीडिया का एक ग्रुप अपना पंछी परिवार इन भाई बहनों के मिलन का माध्यम बना। इस ग्रुप में भारत पाकिस्तान के सदस्य जुड़े हुए थे और उनका उद्देश्य ही था कि भारत पाकिस्तान के बिछड़े हुए लोगों को मिलाने की कोशिश करना, और यही ग्रुप गवाह बना भज्जो के अपने बिछड़े परिवार से मिलन का। मेरे दादाजी हैं वो 1947 में जो गदर हुआ वो पीओके में ही पलंदरी से उनको मजबूरन अपना घर बार छोड़कर इस तरफ शिफ्ट करना पड़ा। बचपन से ही मैं दादाजी से वो सब स्टोरी सुनती आई और यकीन माने कि आज तक 72-73 सालों के बाद भी
जिस भी बुजुर्ग से मैं अपने बात करती हूँ वो अपना घर उसी घर को कहता है जो वो 72-73 साल पहले पीओके में छोड़ के आए थे। तो जब मेरे दादाजी इस दुनिया से गुजर गए तो वो दर्द कहीं ना कहीं मेरे अंदर घर कर गया था। तो मैंने सोचा कि मेरे दादाजी तो बगैर वो जगह देखे सुने चले गए, तो कम से कम जो हमारे बाकी बुजुर्ग बचे हैं मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। तो मैंने एक अपना फेसबुक कम्युनिटी पेज बनाया जिसका नाम है रोमी शर्मा पुंछी अपना पुंछी परिवार। उसके थ्रू हमने कोई 15 फैमिलीज मिलाई। अभी जो राय सिंह नगर में बाबा रंजीत सिंह जी की सिस्टर मुजफ्फराबाद से भज्जो आंटी मिली हैं, ये भी एक्चुअली राय सिंह नगर में एक हरपाल भैया हैं जो कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप अपना पुंछी परिवार के मेंबर हैं। उन्होंने बाबा रंजीत सिंह जी की जो वीडियो है वो मेरे ग्रुप में डाली। और फिर जो मेरे ग्रुप के ही दूसरे सदस्य थे जुबेर भाई रावलपिंडी पाकिस्तान से, उन्होंने वो वीडियो देखी और भज्जो आंटी का पता ढूंढ के निकाला। तो इस तरह ये दोनों फैमिलीज का मिलन हुआ। ये हमारी 15वीं फैमिली है जो हमने अपने इस सोशल मीडिया अपने पेज के थ्रू मिलाई है। इन दोनों फैमिलीज को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी ऐसी फैमिली को आप जानते हैं जिनका कोई अपना बिछड़ा है वहां पे, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे पेज के थ्रू। हमारे पूरे परिवार ने यही बीड़ा उठाया है कि कम से कम जितने हमारे बुजुर्ग इस दुनिया में हैं उनको हम अपने अपनों से मिला के ही रहेंगे, ताकि ये जो LOC है, ये बीच में जो एक सरहद, ये जो लकीर है, इस लकीर के रहते हम फेस टू फेस एक दूसरे को तो नहीं देख सकते, कम से कम सोशल मीडिया का हम इतना ही फायदा उठाएं कि बुजुर्गों को एक दूसरे से मिलाएं और उनकी जगह दिखाएं, ताकि कम से कम वो चैन से अपनी जो आखिरी सांस ले सकें। बिकॉज ये जो घर से बिछड़ने का दर्द होता है ये सिर्फ वही लोग समझते हैं, और अपनों से बिछड़ने का दर्द जो लोग ये सफर कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग भी ऐसी ना ऐसी किसी फैमिली का वीडियो हमें जरूर भेजें। वीडियो कॉल के जरिए जब भाई बहन आमने सामने आए तो आंसुओं का सैलाब उमड़ गया। भाई बहनों की बूढ़ी हो चुकी आंखों में जैसी नई चमक सी आ गई। 72 साल से बिछड़ा परिवार मिलने की खुशी ना तो बहन बयां कर पाई और ना ही उसके भाई। रणजीत सिंह तो इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने अपना पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए भेज दिया है। उधर सकीना का परिवार भी कम उत्साहित नहीं है। सकीना के बच्चे अपने मामूजान से मिलने के लिए बेताब है, और हो भी क्यों ना, उनकी अम्मी आजकल बहुत खुश जो है। अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल। ये हमें पता चला है हमारे मामू का, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई है। सबसे ज्यादा ये है कि वो हमें अम्मी को मिल जाए, हमारी अम्मी को। हमारी अम्मी जब से उनको पता चला तो वो सुकून से नींद नहीं कर रही, ना रात को सोती है, ना खाती पीती है, कुछ भी नहीं। वो कहती है कब वो दिन आए तो मैं अपने भाइयों से मिलूँ। तो आप बड़े मेहरबानी करके ये जल्द से जल्द ऐसा करें कि वो आपस में मिल जाएं बहन भाई। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तमाम बहुत बहुत मुबारक हरपाल सिंह, जुबैर भाई और जिस भी इस सोशल मीडिया के थ्रू ये पैगाम पहुँचाया, चाहे कुची परिवार है जो भी, उन्होंने लख लख मुबारक। और बहुत खुशी हुई है, साडे मामू का पता लग्या सानू, असानू बहुत खुशी हुई है, और साडी वालदे नू बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत बेताब हैं उन्होंने मिलने वास्ते, और साड़ी वालदा ने बहुत ख्वाहिश है कि उन्होंने अपने वीर ने मिलन। साढ़े मामू रणजीत सिंह की वीडियो जिस वक्त तकी सी उन्होंने पता चलिया सी, तो उस टाइम तो लैके अज तक उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी है, और वो मिलने से बेताब होने, तो साढ़ा भी बहुत दिल कर रहा असा उन्होंने मिलना। तो फिर दूसरी वीडियो असं तकी है फौजी जकिंदर सिंह साहब ने, और उन्होंने भी बहुत खुशी हुई है उन्होंने गल सुन के। सानू भी बेताब है असं उन्होंने मिला, और बाकी जिन्होंने इस काम अहम किरदार अदा किया है उन्होंने बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखसूस शुक्रिया हरपाल सिंह, जुबैर भाई, सब ने शुक्रिया, असं बार बार उन्होंने शुक्रिया अदा करते हैं जी। वाकई में खुशी हो भी क्यों ना, आखिरकार किसने सोचा था कि इतने सालों बाद बिछड़े भाई बहन इस तरीके से मिलेंगे। और इस नजारे को देखकर वो गाना सच सा साबित हो जाता है कि अपने तो अपने होते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता फासलों की दूरियों का या फिर मजहब का। भज्जो और रणजीत सिंह को मिलाने वाली संस्था अपना पंछी परिवार के लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया ये काम वाकई काबिले तारीफ है। शायद ऐसा ही कुछ और परिवार इस सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बिछड़े हुए परिवार वालों से मिल पाए। न्यूज इंडिया के लिए रायसिंह नगर से विकी भदौरिया की रिपोर्ट।